जातिधारित गणना आप लोग करा रहे थे, हाईकोर्ट से धक्का तो लगा, अब लगता है कि क्या जातिधारित गणना जो है, आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में भी कौन लोग उसके पीछे हैं और बिहार सरकार और मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है। सिर्फ ये कास्ट सेंसस ही नहीं है, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन सारे सारा चीज डेटा इकट्ठा कर अब फिर आप प्लान करते हैं क्या करें। और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इसको लेकर, और जो भी कुछ करना होगा वो सारा काम बिहार सरकार करेगी इसको लेकर के। और मानना है बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उसमें तो ऑल पार्टी थे जब ये तय हो रहा था कि ये एक जरूरी कदम है और एक बार ये हो जाएगा तो ओवरऑल जो विकास के जो पैरामीटर है उसको तय करने में और सुविधा। निजता का हनन वाला मामला आया है, निजता का हनन कह करके हाईकोर्ट ने मामला को एक तरीके से रोका है, लगता है कि निजता का हनन है? नहीं, हाईकोर्ट ने जो भी पैरामीटर पे जो कहा गया है इसमें निजता खनन मेरे समझ में नहीं आता है। हाईकोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन दिया है वो मैं डिटेल नहीं जानता हूँ कि इसके में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ये तो डेटा कलेक्शन है ना। आप वोट देने जाते हैं तो वोटर लिस्ट में नाम होता है कि नहीं होता, ये तो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इसमें, और ये कोई पहली बार नहीं बिहार सरकार कर रही है, इससे पहले अन्य सरकारों ने भी ये काम किया है, कर्नाटक वगैरह में हुआ है कलेक्शन। इससे पहले भारत सरकार में जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी डेटा कलेक्शन का काम हुआ था, भले उन्होंने पब्लिक नहीं किया इस चीज़ को, सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो है उस समय भी कलेक्ट किया गया था सरकार ने। और ये तो पता है कि दोनों हाउस में सहमति के बाद यहाँ से पूरा डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के मिलने के लिए कि देश भर में होना चाहिए, इस सारे बैकग्राउंड में तब जा करके बिहार सरकार ने इसमें काम करना शुरू किया। और जहाँ तक डेटा का जो मैंने बताया कि जो भी कुछ कदम करना होगा इसमें बिहार सरकार करेगी, और बेसिकली ये डेटा कलेक्शन का काम कानून जो कुछ भी करना होगा सारा इनिशिएटिव अभी तो सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी तो वेट कीजिए, मैटर सेफ ड्यूटी से सुप्रीम कोर्ट में है, क्या वहाँ फैसला आता है। लेकिन बिहार सरकार और मुख्यमंत्री और सबका एक मत है बिहार के कि एक बार ये डेटा विकास का डेटा है वो आ जाता है, और इसमें सिर्फ कास्ट डेटा नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण है, ये सारी परिस्थिति आ जाएगी तो और सुविधा होगा बिहार में लोगों के विकास को प्लान करने। इसलिए डेटा कलेक्शन करते क्यों हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि आपको एक्चुअल कंडीशन मालूम और फिर आप प्लान करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब जातिधारित गणना बिहार में होगी ऐसा है? ये तो तही है, तभी सरकार कर रही है, मैंने कहा ना अभी मैटर सेफ ज्यूडिस है, जो कुछ मैटर है अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। मुझे लगता है कि लोकसभा 24 के अनाउंसमेंट के पहले जाति जनगणना हो पाएगा पूरा? अभी तो मैटर सब ज्यूडिस है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, वहाँ से क्या उनका ऑब्जर्वेशन आता है, क्या फैसला आता है, उसके बाद ही और कोई टिप्पणी कर पाएगा इसका। फैसला नहीं आता तो सरकार उपाय जो मैंने कहा सरकार के पास, आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता कास्ट सेंसस को लेकर, तो देश भर की बात कर रहे हैं, जब हुआ केंद्र से कि नहीं भाई आप अपना कर लीजिए लेट हो गया, तब बिहार की पकड़ने की बात आ रही है। जो कुछ भी इसमें करना होगा सरकार को वो सारा इनिशिएटिव सरकार। We'll be right back.